हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोरी साइकिल। इसको हम लैक्टिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। आखिर इसका नाम लैक्टिक एसिड साइकिल क्यों पड़ा? जैसा अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होके बनता है पाइरूवेट। इसमें मेनली 8 ATP रिलीज होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, पाइरूवेट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा या लैक्टेट बनेगा, ठीक है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन मिल गया पाइरूवेट को तो वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये फर्मेंटेशन में चला जाएगा। तो फर्मेंटेशन में जाएगा तो क्या होगा, तो जो हमारा पाइरूवेट है वो चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। या जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, वो जो हमारा ग्लूकोज है पाइरूवेट में चेंज होने के बाद लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण हमें हल्का पेन होता है। अगर ये लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में द्वारा नहीं बना तो ये लैक्टिक एसिड के कारण लैक्टिक एसिडोसिस होने का डर है। इसलिए हमारा बॉडी जो ऑटो रेगुलेशन करता है इस लैक्टिक एसिड को ब्लड के थ्रू लीवर में भेज देता है। लीवर में ही क्यों भेजेगा, तो लीवर में मेली एक एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 5-फॉस्फेटेज, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस में पाइरूवेट को ग्लूकोज में, ठीक है। तो और फिर वो ग्लूकोज द्वारा हमारे बॉडी के द्वारा यूज हो जाता है। तो इसमें मेनली हमारा जो नेट कंजप्शन होता है इसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये यूज करता है एटीपी, मतलब हमें हानि होती है। फिर भी हम ये साइकिल चाहते हैं, क्यों, ताकि ये जो लैक्टिक एसिड बना है हमारे मसल को हार्म ना करे। चलिए आते हैं कोरी साइकिल में, ठीक है। कोरी साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें लैक्टेट प्रोड्यूस होता है एनाबॉलिक ग्लाइकोलाइसिस में, मेनली मसल्स में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू लीवर में, मतलब ये मसल्स में बनता है फिर ब्लड के थ्रू लीवर में चला जाता है, लीवर में फिर से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और फिर हमारे मसल के द्वारा वो यूज हो जाता है, ठीक है। अगर ये लैक्टेट को हम प्रिवेंट नहीं किए तो इसके कारण लैक्टिक एसिडोसिस होने का डर है। इसमें मेनली 4 ATP का कंजप्शन होता है, ये हम आगे डायग्राम में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये मेनली होता क्यों है, तो बताया अभी कि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन शरीर को नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण एनारोबिक प्रोसेस हो जाता है और हमारा पाइरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, इसमें मेनली दो जगह बनता है, एक है मसल और एक है लीवर। मसल में क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट से लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज बनेगा। ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने में 8 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब पाइरूवेट से लैक्टेट बनता है तो 6 ATP यूज हो जाता है, मतलब एनारोबिक प्रोसेस होता है, तो ओवरऑल सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये लैक्टेट ब्लड के थ्रू चला गया हमारे लीवर में, लीवर में लैक्टेट से पाइरूवेट बनता है सेम एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज से, क्यों, क्योंकि ये जो पाइरूवेट से लैक्टेट और जो लैक्टेट से पाइरूवेट बनता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब पाइरूवेट से ग्लूकोज बनाने में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस, इसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें मेनली 6 ATP यूज होता है, ठीक है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो आप कह सकते हैं ना, क्यों हम एटीपी को बर्बाद करें, तो देखिए लैक्टिक एसिड क्या है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उसको सही करने के लिए हमें एटीपी का यूज करना पड़ता है, ठीक है।
जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से लैक्टेट बना, उसमें 2 ATP रिलीज हुआ। लेकिन जब ग्लूकोनियोजिनेसिस हुआ उसमें 6 ATP क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो नेट ATP कितना बचा, 4। वही अभी ऊपर बोला था कि नेट कंजप्शन कितने ATP का होता है, 4 ATP का होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये मसल में नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें लैक्टेट को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, लीवर में। आशा है आपको पूरी साइकिल समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।